Yes, more gang, finally, भाई, दो हफ्ते बाद तुम्हारा भाई आ गया है इसकी बीडी के मल्टीवर्स वीडियोस देखने के लिए। Yes, हम लोग को देखे दो हफ्ता हो चुका है या हम लोगों ने एपिसोड 22 तक देखा था। वैसे अगर तुम लोगों को नहीं पता, मैंने काफी एपिसोड मिस कर दिए थे, तो मैंने पूरा एक फिल्म ही देख डाला। ये देखो 1 घंटे 10 मिनट की फिल्म है ये पूरी। यहाँ पर अगर तुम लोगों ने नहीं देख रखा है तो यहाँ देखना, लेकिन आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि दो हफ्ते के अंदर, ये देख रहे हो डॉम स्टूडियोज का ये चैनल मैंने यहाँ पे खोल लिया है, दो हफ्ते के अंदर यहाँ पे ये हम लोगों ने लास्ट देखा था ना, इन्होंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए। अच्छा, 4 नहीं 3 और कर दी है। इनका एपिसोड काफी जल्दी आता है। अपने मेन स्कीबीडी भाई दफू बूम साहब ने तो अभी तक वीडियो नहीं डाला है यार, इनके वीडियो का वेट कर रहा हूं मैं। आई थिंक पार्ट 3 आएगा अब 70 का, लेकिन वो बात की बात है। अभी हम लोग डॉम स्टूडियोज की बात करते हैं। इनका वीडियो अभी हमें 3 देखना है, लेकिन मेरे को अब पता है बिल्कुल भी याद नहीं है कि इसकी स्टोरी में क्या चल रहा था। एक्चुअली में तुम लोगों को पता है अभी मैं पॉपी प्ले टाइम खेल रहा था और मैं इसकी स्टोरी में इतना ज्यादा घुस गया कि मेरे को बाकी स्टोरियां याद नहीं है। 4 दिन तक कंटिन्यू हम लोगों ने पॉपी प्ले टाइम खेला है। वैसे अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी माइनक्राफ्ट में भी पता है कैट ने अपने अटैक किया है, तो हम लोग को वहां पर भी कुछ करना है। वो भी वीडियो आएगी मेरे फर्स्ट चैनल पे और मैं तुम लोगों को पॉपी प्ले टाइम की पूरी कहानी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। काफी उनको थोड़ी डिटेल में कहानी चाहिए, वो भी आएगा। लेकिन अभी तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एपिसोड 22 एक बार रीकैप के लिए देख लेते हैं, तब मेरे को सब याद आ जाएगा, फिर 23, 24, 25। तो ये वीडियो मैंने खोल दिया है, लाइक और सब्सक्राइब तो मैं कर देता हूँ यार, लगता है आज मैंने दूसरा अकाउंट से खोला है। ठीक है, तुम लोग भी लाइक सब्सक्राइब कर देना, देख लो फटाफट से अभी क्या, अभी दबाओ, देखो अभी दबाओ, मैं रोक रखा हूँ, दबा रहे हो तब मैं एक साथ दबा रहा हूँ, लेट्स गो। चलो यहाँ पर अभी हम लोग एपिसोड देखते हैं। अटैक हो गया है इसकी वीडियो के बेस पे। ओके, अच्छा, याद आ रहा है, आई थिंक बॉम्ब डिफ्यूज करना था, वैसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गया था। ये देखो स्किबिडी का बेस नंबर 2 है ये। हाँ, यहाँ पे 3 बेसेस हमें शायद देखने को मिले थे। अरे हाँ यार, एक थोड़ा सा देखने से ही याद आने लग जाता सब कुछ। ओके, तुम लोग को भी सब्सक्राइब और लाइक करना याद तो रहता नहीं है, वीडियो शेयर करना याद रहता नहीं है। आयुष मोर का चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी। ओके, यहाँ पे हम लोग पीओवी पे अटैक हो गया। ओ क्या मारा है भाई, वो अरे अरे, ये एंट्री मेरे को याद कैसे नहीं है। वाओ, सॉलिड एंट्री, क्या बात है। ओ एकदम डॉक्टर ऑक्टोपस की तरह पूरे अपने टेंटिकल्स निकालते हुए बिग ड्रिल मैन यहाँ पर आते हुए सब लोग हेल्प कर रहे हैं। एकदम एवेंजर्स वाली आर्मी आ गई है यार। ओ मैग्नेट को गिरा दिया। स्पीकर मैन, यहाँ पे स्पीकर मैन थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। इसको देखते हैं, इसका मुंह थोड़ा छोटा है, नॉर्मली इसका मुंह थोड़ा बड़ा होता है जो अपना ओरिजिनल्स की बीडी है वहाँ पे। सब लोग भागते हो। अच्छा यहाँ पे बॉम्ब है। ओ 2 मिनट का टाइमर, तो ये बटन को प्रेस करना ताकि बॉम्ब रुक जाए। और यहाँ पे साइंटिस्ट आ गया क्या, ये ब्लैक स्मोक तो साइंटिस्ट का होता है ना। ओ माय गॉड, घोस्ट, अरे हाँ इसमें तो घोस्ट की बीडीज भी थे भाई। ओहो खतरनाक, ये क्या हो रहा है, खींच लिया सबको। इसके मुंह के अंदर में वो लगा हुआ है क्रशर, अपने टाइटन आ गया स्पीकर मैन। लेट्स गो, छाती पे तवड़ा को लगाते हुए। और अरे ये क्या फुस हो गया। अरे हाँ, इसने पावर ज्यादा यूज कर ली थी। यप, याद आ गया मेरे को, इस वजह से फुस हो रखा है। और ये मुंह में ठूस दिया, यही बोला ले भाई, ये नहीं चलेगा तो मैं ही तेरे मुंह में डाल दूंगा ये। और इसको अभी फोड़ देंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्ट होगा ये। अरे भाई स्पीकर मैन बहुत इंजर्ड होता है यार, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, जब देखो स्पीकर मैन इंजर्ड ही है भाई। और यहाँ पर लगता है यस माय लव इज हेयर, क्लॉक वुमन आ गई, क्या बात है यार, एंट्री कमाल की होनी चाहिए। और यहाँ पर ड्रिल मैन आ रहे हैं, टाइटन ड्रिल मैन। ओ 1 मिनट बाकी है सिर्फ भाई, बटन दबाओ। क्लॉक वुमन और स्पीकर मैन टीम अप, काश मैं होता वहां पे स्पीकर मैन की जगह, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, होगा एक दिन होगा, टेंशन मत लो। अभी यहां पर
ओके वाओ नहीं बोला कि ही ओ हाँ दिल को स्पीड कर दिया था और अभी ये भागेगा एकदम फ्लैश की स्पीड से वो भाई 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 मेरी क्लॉक वुमन कुछ भी कर सकती है और 10 सेकंड बाकी है सब बटन दबाना है और यहाँ पर बीच में यस अभी अंदर नहीं घुस पाएगा तो 1 सेकंड बाकी है और न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया मतलब फटने वाला है और ये रोकने की कोशिश कर रहा भाई अंदर घुस जा ड्रिल मैन आ गया अंदर से अरे हाँ बटन दबा दिया वाओ भाई 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 चलती हुई मिसाइल रुकी है यार ओ और ये वही ड्रिल मैन है यस 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 जो उस वक्त बोल रहा था याप ये सीन याद है मेरे को ये इस मशीन से धीरे धीरे करने लग गया था ये आके पूरी दुनिया का जान बचाया है भाई ये देखो इसको बोलते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस क्लॉक वुमन ने रोक दिया इसकी बीड़ी को और यहाँ पर नहीं 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 अभी अच्छा अपनी मेन विलन आई थिंक आई जस्ट फाउंड माय फेवरेट टॉय इसको अपना फेवरेट टॉय मिल गया अच्छा Don't worry. I expected your failure. Our achievement in this battle was taking control over their devices. Now they believe the emergency message was sent from an ally. This will make it much easier for the next step. Emergency alert इसने ही भेजा था ये हम लोग को यहाँ पे पता चल गया था Yes, अपनी मेन विलन ये जो है इसका नाम अभी तक रिवील नहीं किया ये बहुत खतरनाक है एपिसोड 23 में देखते हैं कि और क्या दिखाता है लाइक कर दिया मैंने तुम लोग भी कर देना ऑल टाइटन्स डिफेंड क्लॉक बेस स्किबिडी टॉयलेट्स आर गोइंग टू अटैक विद ऑल माइट ये जो आई थिंक मैसेज था ये अपनी मेन विलन ने भेजा था अपने अलाइज ने नहीं भेजा था अपने दोस्तों ने नहीं भेजा और यहाँ टाइटन कैमरा मैन ओ टाइटन स्पीकर मैन फुल पावर लेके आ गया भाई अचानक से अच्छा पूरा एकदम रिपेयर हो क्या आया बढ़िया से क्या बात है बहुत बढ़िया सॉलिड लग रहा है और ड्रिल मैन भी आ गया अभी लगता है तीनों मिलके ओ माय गॉड ये तो कमाल लग रहा है भाई और इसका जो म्यूजिक कहाँ गए लो स्किबिडी के बेस में ये लोग खुद स्किबिडी के बेस से ऑल रुको एक बार वापस अच्छे से पढ़ते हैं अभी क्या लिखा है ऑल टाइटन्स डिफेंड क्लॉक बेस सभी टाइटन्स क्लॉक बेस को बचाओ स्किबिडी टॉयलेट्स आर गोइंग टू अटैक विद ऑल माइट स्किबिडी टॉयलेट्स आके पूरी तरीके से अटैक करने वाले इसलिए ये लोग अपने ही बेस के बाहर खड़े हैं डिफेंड करने के लिए ताकि स्किबिडी टॉयलेट्स आ नहीं जाए ओके यहाँ पर हैकिंग चालू हो गई है स्किबिडी के बेस में वाओ भाई स्किबिडी में काफी दिमाग भी है यार मैं तो टॉयलेट में से सर ओ हैकर का मास्क भी पहन रखा भाई क्या बात है तब तो भाई मेरे को भी मास्क पहन लेना चाहिए ना ऐसे करके yep, I am also a hacker चलो 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 क्या दिखाएंगे और ओ हैक कर लिया गया है क्या बात है ड्रिल वुमन इंपॉर्टेंट सीन यहाँ पर ड्रिल मैन ड्रिल वुमन को प्रपोज करते हुए लेकिन ड्रिल मैन नो जाओ यहाँ से बाय 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 मस्ता और ड्रिल मैन बैठा आराम से म्यूजिक सुन रहा है स्किबिडी ने हैक कर लिया है इनके टावर्स को लगता है और यहाँ पर वो घोस किबिडी आएगा क्या फिर से इमरजेंसी अलर्ट सब अलर्ट हो जाओ अभी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे अभी अलर्ट होएंगे टाइटन को भी पता चल गया है बोला भाई क्या करें
हेल्प रिक्वेस्ट, और हेल्प रिक्वेस्ट सेंड योर, ओ स्कीबीडी ने इनके पूरे पीसी को हैक कर लिया है तो लोग हेल्प नहीं मांग पा रहे हैं, हैक बाय स्कीबीडी स्कीबीडी स्कीबीडी। ये प्रॉब्लम में फंस गया भाई ये लोग। अच्छा ये लोग तीनों बेस में हैं और वो लोग अलग बेस में है, मतलब जो अपने छोटे छोटे ट्रूप्स है और जो टाइटन्स है वो अलग बेस में। इस वजह से ये लोग अब जल्दी से नहीं जा पाएंगे, इनको तो पता ही नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है। ये लोग खुद कंफ्यूज कि भाई हम लोग तो यहाँ पे डिफेंड करने खड़े हैं लेकिन वो लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं। भाई अपनी मेन विलन शातिर है भाई, बहुत तगड़ा प्लान था ये। सिर्फ ड्रिल मैन भाग रहा है, उसको समझ में आ गया। कैमरा मैन भी गया लेकिन स्पीकर मैन को वहीं रुकने के लिए बोला है। और यहाँ पर देखो उसकी बीड़ी ने क्या अटैक किया है भाई। अपनी मेन विलन को अच्छे से पता है कि मेन तो टाइटन्स ही है, उनको हटा दो रास्ते से, इसलिए वो झूठा मैसेज भेज दी और उनको ऐसा लगा कि हमारे दोस्तों ने मैसेज किया। चेंसो मैन, वाह भाई एनिमे रेफरेंस। हाँ मैं बहुत एनिमे देखता हूँ, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो तुम लोग का फेवरेट एनिमे कौन सा है मेरे को बताना। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर, ओ ड्रिल वुमन को कुछ दिखा और इसने स्कीबीडी को अंदर डाल दिया और यहाँ पे क्या किया है एक्चुअली में मेरे को समझ में नहीं आया। रुको थोड़ा सा पीछे करते हैं, यहाँ पर एक्चुअली में ड्रिल वुमन को दिखा क्या ये मेरे को समझ में नहीं आया। चेंसो मैन को तो हम लोगों ने देखा, उसके बाद में यहाँ पर ड्रिल वुमन को दिखा कि ओ अच्छे बड़े बड़े स्कीबीडी आए हैं और ये इसका कमांडर है शायद, ये हीरो ब्राइन वाला स्कीबीडी। तो ड्रिल वुमन जाके इनको हरा रही है ताकि ये लोग कोई मिसाइल विसाइल लेके वैसा कुछ ना करे, और फिर इसने अंदर के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि पूरा ही अंदर से फट गया। ओके ये तो सही है, वाओ। और ये अपना बिग ड्रिल मैन और अपना टाइटन ड्रिल मैन भी यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हुए, और ये कौन आ गया भाई, कितने अजीब अजीब स्कीबीडी आ रहे हैं इसमें मल्टीवर्स में। ये देखो ना घोस्ट स्कीबीडी का एक नया वर्जन है ये। टाइटन ड्रिल मैन पहुंच पाएगा क्या भाई, एपिसोड ही एंड हो गया यार। कोई बात नहीं, एपिसोड 24 तो है ही, लाइक भी कर दिया है, लेट्स गो। ये क्या था, साइंटिस्ट ड्रिल मैन को मार दिया यार स्कीबीडी ने, परफेक्ट। Not a single source of energy left. Ooh. Well, except for our little hostage, of course. For now, let's prepare the view for our precious guest. He's here. Ooh, ये बोल रही थी ना कि मैं इसके साथ खेलूंगी। तो ये ड्रिल मैन को पकड़ना चाहती है टाइटन ड्रिल मैन को, इसलिए सिर्फ टाइटन ड्रिल मैन को इसने अलग कर दिया। ये कान में भी बोल सकती है टाइटन ड्रिल मैन के, वही इसकी पावर्स देखते बहुत सॉलिड है। ये टाइटन ड्रिल मैन को लेके जाएगी, ये बोले क्लॉक पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, बोल रही है कि क्लॉक्स तो झूठे होते हैं ड्रिल, तुम क्लॉक से अलग हो, इस तरीके की बातें करने की कोशिश कर रही है। ओ माय गॉड, ये सिर्फ ड्रिल की फैमिली दिखा रहा है, ये औरत दिखा रही कि सिर्फ ड्रिल्स मरे हैं क्लॉक नहीं मरे, झूठ दिखा रही है वो। टाइटन ड्रिल मैन को खराब लगेगा कि यार क्लॉक और कैमरामैन ये सब हम लोग को छोड़ के चले गए, सिर्फ ड्रिल्स को मरने दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, टाइटन ड्रिल मैन को अपनी टीम में कर लेगी ऐसे तो। वो कैमरामैन आ गया, ओ अभी ये क्या उसको मारेगा, क्या मैनिपुलेट हो गया टाइटन ड्रिल मैन।
क्या करेगा ये भी भाई। शिट 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 भाई, तू बाहुबली है यार, तू मत लड़ कैमरामैन से। अरे यार, अरे यार, यही पे एंड करना था क्या यार? अभी एक एपिसोड और बाकी है, जो अभी 4 घंटे पहले आया तब मेरे को याद आया था। अच्छा है, मेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ मेरे को देखना है। लेकिन तुम लोग देखो, मतलब बिना इन्फेक्ट किए टाइटन ड्रिलमैन को मैनिपुलेट कर दिया अपनी मेन विलन ने यार। वो कितनी स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब, बाप रे बाप यार, ये तो बहुत अच्छा गेम खेली वो। अभी एक एपिसोड और बाकी है, काश इसमें मेरे को दिखा दे। 5 मिनट का है, आई एम एक्सपेक्टिंग। भाई लाइक मैं पहले कर देता हूँ। यस 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 यस, स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। और ये क्या है? एक मिनट फिर से देखूंगा मैं एकदम। कैमरा मैन का कुछ निकाल लिया, ओ शूट करने का आई थिंक ये, ओ ड्रिल कर दिया भाई। टाइटन ड्रिल मैन पूरा मैनिपुलेट हो चुका है यार। भाई नहीं यार, ओ माय गॉड, कैमरामैन को जला दिया यार। वो मर गया क्या? मरेगा तो नहीं इतनी जल्दी, लेकिन हालत बहुत बुरी है भाई की। ये देखो ना कितना बड़ा है, ये पूरा बाहुबली बन गया था। इसको साइंटिस्ट लोगों ने मिलके बनाया है ऐसा। क्या हो रहा है? कौन आ रहा है? फाइनली टीवी मैन अब आया है 25 एपिसोड के बाद। अभी तक हम लोग को शायद टाइटन टीवी मैन दिखाया ही नहीं था, एक बार भी नहीं दिखाया था। और भाई ने क्या एंट्री मारी है भाई, क्या बात है। यहाँ पर भी ये रिवर्स में बोलता है लगता है भाई। तू तो हिप्नोटाइज कर सकता है उसका इल्यूजन, बटा यार उसका मैनिपुलेशन हटाओ यार कैसे भी करके। क्या बोल रहे हैं मेरे को नहीं पता, अभी मैं स्टोरी में खो गया पूरा। ये डिसअपॉइंटेड है। और स्लो मोशन में फाइट हो रही है भाई। और भाई ये तो निंजा की तरह लड़ रहा है अपना टाइटन टीवी में, क्या बात है। वाओ यार, दफू बूम से तो काफी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। लेकिन मैं मानता हूँ दफू बूम अकेला बनाता है और यहाँ पे पूरी टीम है, लेकिन ये भी काफी मस्त है, वो भी काफी मस्त है, मतलब सब अपनी जगह है। ये देखो ना, लेकिन यहाँ पे फाइट सीन्स बहुत तगड़े होते हैं, एकदम एनिमे लेवल। ओ माई गॉड भाई, तू टाइटन ड्रिल मैन का मैनिपुलेशन हटा, ड्रिल ही काट दिया अभी। और यहाँ पर भी टेलीपोर्टेशन पावर है टाइटन टीवी मैन की, क्या बात है। एकदम नारुतो वाली फाइट लग रही है ये तो मेरे को। ये इसने एक्स्ट्रा कवर पहन लिया, चेन लगा के खींच भाई, क्या ही फाइट चल रही है यार। ये तो आज का एपिसोड तो बड़ा कमाल का है यार, 10/10 है ये एपिसोड, एपिसोड नंबर 25, सिल्वर जुबली वाला एपिसोड है एकदम ही। ओ माय गॉड, पूरे कोर में पावर भर गया टाइटन टीवी मैन की। भाई साहब, ये फाइट एक तो ऐसा लग रहा था डीमन स्लेयर की जो एंडिंग फाइट भी थी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में, एकदम वैसी लगी मेरे को। तो स्कीबीडी आ गया, अपने कैमरामैन को तो इसने टेलीपोर्ट करा के घर भेज दिया क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था, ये अकेला लड़ रहे हैं। ये भी गया, अब टाइटन को तो ये लोग ले जाने आ गए होंगे।
नहीं अच्छा ये स्किबिडी को तो मारेगा कम से कम। हाँ चलो इतना मैनिपुलेट तो नहीं हुआ है, बस ये अपनी टीम से थोड़ी अपनी टीम से थोड़ा गुस्सा है, लेकिन ये स्किबिडी का अभी भी दुश्मन तो है। और ओ माय गॉड टीवी ड्रिल वुमन को पकड़ लिया, साइंटिस्ट ड्रिल वुमन है आई थिंक ये। ओ नहीं नहीं ड्रिल वुमन ही थी। और यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्ट्रॉय क्लॉक बेस इफ यू वांट हर टू लिव। ओ हो भाई इसको बोल रहा है क्लॉक बेस उड़ा दे क्योंकि क्लॉक्स तो तेरे दुश्मन है। ड्रिल और क्लॉक में लड़ाई करवाएगा यार ये लोग। ओ माय गॉड स्किबिडी इसको फिक्स करके दिए है। ओ हो ड्रिल वुमन मना तो कर रही है लेकिन वो क्या बोले। एपिसोड एंड तो हो गया है लेकिन बहुत मजा आया मेरे को यार, पूरी कहानी में क्या ट्विस्ट लाया है। तुम लोग जाके ये मूवी देखो भाई, हम लोगों ने पूरी सीरीज देखी थी, जाओ अभी जाके देखो। पॉपी प्ले टाइम नहीं देखा था तो वो जाके देखो, उस पे अब अगला एपिसोड आएगा, माइनक्राफ्ट भी आएगा अपने फर्स्ट चैनल पे। सबके लिए लाइक सब्सक्राइब करके रखना, अभी तो ये एपिसोड जाके देखो, बहुत मजा आ रहा है। लेट्स गो क्लिक है।